श्री गणेश के 108 नाम। ओम श्री विनायकाय नमो नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमो नमः। ओम श्री गौरी पुत्राय नमो नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमो नमः। ओम श्री स्कंदाग्रजाय नमो नमः। ओम श्री अव्ययाय नमो नमः। ओम श्री पूताय नमो नमः। ओम श्री दक्षाय नमो नमः। ओम श्री अध्यक्षाय नमो नमः। ओम श्री द्विजप्रियाय नमो नमः। ओम श्री अग्निगर्भाय नमो नमः। ओम श्री इंद्रश्री प्रदाय नमो नमः। ओम श्री वाणी प्रदाय नमो नमः। ओम श्री सर्वसिद्धि प्रदाय नमो नमः। ओम श्री शर्वतनयाय नमो नमः। ओम श्री शर्वरी प्रियाय नमो नमः। ओम श्री सर्वात्मकाय नमो नमः। ओम श्री सृष्टिकर्त्रे नमो नमः। ओम श्री दिव्याय नमो नमः। ओम श्री अनेकार्चिताय नमो नमः। ओम श्री शिवाय नमो नमः। ओम श्री शुद्धाय नमो नमः। ओम श्री शुद्ध बुद्धि प्रियाय नमो नमः। ओम श्री शांताय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमो नमः। ओम श्री गजाननाय नमो नमः। ओम श्री द्वैमातुराय नमो नमः। ओम श्री मुनिस्तुताय नमो नमः। ओम श्री भक्त विघ्न विनाशकाय नमो नमः। ओम श्री एकदंताय नमो नमः। ओम श्री चतुर्बाहवे नमो नमः। ओम श्री चतुराय नमो नमः। ओम श्री शक्ति संयुक्ताय नमो नमः। ओम श्री लंबोदराय नमो नमः। ओम श्री शूर्पकर्णाय नमो नमः। ओम श्री हरये नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मविदुत्तमाय नमो नमः। ओम श्री कालाय नमो नमः। ओम श्री ग्रहपतये नमो नमः। ओम श्री कामिने नमो नमः। ओम श्री सोमसूर्याग्निलोचनाय नमो नमः। ओम श्री पाशांकुशधराय नमो नमः। ओम श्री छंदाय नमो नमः। ओम श्री गुणातीताय नमो नमः। ओम श्री निरंजनाय नमो नमः। ओम श्री अकल्मषाय नमो नमः। ओम श्री स्वयं सिद्धाय नमो नमः। ओम श्री सिद्धार्चित पदाम्बुजाय नमो नमः। ओम श्री बीजपूर फलासक्ताय नमो नमः। ओम श्री वरदाय नमो नमः। ओम श्री शाश्वताय नमो नमः। ओम श्री कृतिने नमो नमः। ओम श्री वीतभयाय नमो नमः। ओम श्री गदिने नमो नमः। ओम श्री चक्रिणे नमो नमः। ओम श्री इक्षुचापधृताय नमो नमः। ओम श्री श्रीदायकाय नमो नमः। ओम श्री अजाय नमो नमः। ओम श्री उत्पलकराय नमो नमः। ओम श्री श्रीपतये
नमो नमः। ॐ श्री स्तुतिहर्षिताय नमो नमः। ॐ श्री कुलाद्रिभेत्रे नमो नमः। ॐ श्री जटिलाय नमो नमः। ॐ कलिकल्मषनाशकाय नमो नमः। ॐ श्री चंद्रचूडामणये नमो नमः। ॐ श्री कांताय नमो नमः। ॐ पापहारिणे नमो नमः। ॐ श्री समाहिताय नमो नमः। ॐ श्री आश्रिताय नमो नमः। ॐ श्री श्रीकराय नमो नमः। ॐ श्री सौम्याय नमो नमः। ॐ श्री भक्तवांछितदायकाय नमो नमः। ॐ श्री कैवल्यसुखदाय नमो नमः। ॐ श्री सच्चिदानन्दविग्रहाय नमो नमः। ॐ श्री ज्ञानिने नमो नमः। ॐ श्री दयायुताय नमो नमः। ॐ श्री दान्ताय नमो नमः। ॐ श्री ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमो नमः। ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमो नमः। ॐ श्री श्रीकण्ठाय नमो नमः। ॐ श्री विबुधेश्वराय नमो नमः। ॐ श्री रामार्चिताय नमो नमः। ॐ श्री विधात्रे नमो नमः। ॐ श्री नागराजयज्ञोपवीतिने नमो नमः। ॐ श्री स्थूलकण्ठाय नमो नमः। ॐ श्री स्वयंकर्त्रे नमो नमः। ॐ श्री सामघोषप्रियाय नमो नमः। ॐ श्री परस्मै नमो नमः। ॐ श्री स्थूलतुण्डाय नमो नमः। ॐ श्री अग्रजाय नमो नमः। ॐ श्री धीराय नमो नमः। ॐ श्री वागीशाय नमो नमः। ॐ श्री सिद्धिदायकाय नमो नमः। ॐ श्री दूर्वाबिल्वप्रियाय नमो नमः। ॐ श्री अव्यक्तमूर्तये नमो नमः। ॐ श्री अद्भुतमूर्तिमते नमो नमः। ॐ श्री शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमो नमः। ॐ श्री स्वलावण्यसुधासारजितमन्मथविग्रहाय नमो नमः। ॐ श्री समस्तजगदाधाराय नमो नमः। ॐ श्री मायिने नमो नमः। ॐ श्री मूषकवाहनाय नमो नमः। ॐ श्री हृष्टाय नमो नमः। ॐ श्री तुष्टाय नमो नमः। ॐ श्री प्रसन्नात्मने नमो नमः। ॐ श्री सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमो नमः। ॐ श्री मूलाधारचक्रसंस्थिताय नमो नमः। ॐ श्री अबोधिताप्रदायकाय नमो नमः। ॐ श्री गणनायकाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत् त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्
गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाद संधानम संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निजृत गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः। वेगदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पि नन्देवन् जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाजू जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अजय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु बज्र की कीले गदा बज्र ले बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो।
जय 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 धनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामे पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जहि मारे काहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा हरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ओम शत्रुमर्दिनी नमः ओम श्री अंबिका देवी नमः ओम मधुसूदना नमः ओम तारकासुर संहंत्री नमः ओम शुंभ शुंभ संहंत्री नमः ओम श्री दुर्गा माता जगदंबा नमः ओम श्री रक्षा करी नमः ओम राक्षसघ्नी नमः ओम श्री चामुंडा नमः ओम मधुकेतवहंत्री नमः ओम नरकांतका नमः ओम भंडासुरमर्दिनी नमः ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः ओम श्री कार्तिकेय नमः ओम सर्वासुर मर्दिनी नमः ओम सर्व बाधा विनाशिनी नमः ओम सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नमः ओम सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः जय श्री माताजी एवरीवन श्री माताजी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहयोगी जिनको श्री माता जी ने श्री आदि शक्ति के अवतरण ने मां निर्मला ने पृथ्वी पे अवतरित होके जिनका कल्याण किया कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया आत्मा को प्रकाशित किया और सहस्रार को खोल दिया श्री माता जी मां कुंडलिनी के रूप में हमारे अंदर हमारे सेक्रम वोम ने विराजमान है मां कुंडलिनी गौरी मां है और उनके रक्षण के लिए
कि वो आहत ना हो जाए। श्री गणेश सेक्रम बोन की नीति मूलाधार चक्र में विराजते हैं और योग्य पात्र को ही वो आशीर्वादित करते हैं और मां कुंडलिनी को अनुमति देते हैं, संदेश देते हैं कि मां आप उठिए, इस पात्र के सभी चक्र शुद्ध हैं, हृदय पवित्र है। श्री गणेश मां कुंडलिनी के आगे आगे सब चक्रों को शुद्ध करते चलते हैं और मां कुंडलिनी एक एक करके सबका भेदन करती और अंत तो गत्वा ब्रह्म रंध्र का भेदन करती और ईश्वर की चराचर शक्ति से योग करती है, परम चैतन्य से योग करती। श्री गणेश श्री माता जी की रक्षा के लिए जिनका निर्माण हुआ वो हमारे आज्ञा चक्र मध्य और बैक आज्ञा पे भी विराजित हैं। मध्य आज्ञा में श्री जीसस क्राइस्ट के रूप में वो सिर्फ योग के पात्र को अनुमति देते हैं सहस्त्रार स्वामिनी के दरबार में जाने की, सहस्त्रार में प्रवेश करने की। जीसस क्राइस्ट भी श्री गणेश का ही अवतरण है। वैकाग्य चक्र में सभी कर्मों के बंधन छूट जाते हैं और तभी सहस्रार में प्रवेश हो सकता है। ऐसे महान श्री गणेश जी जो हमारे भीतर जागृत है, हर पल हर क्षण हमारा रक्षण करते हैं। आइए आज का ध्यान हम प्रारंभ करें। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन, आप सबको मेरा सादर नमन। सर्वप्रथम हम श्री माता जी की अमृत वाणी का एक अंश सुनेंगे जहां माने कुछ प्रार्थनाएं और तरीका बताया है किस प्रकार से श्री गणेश जी को जागृत कर सकते हैं प्रार्थनाओं से। निर्विचार रहेंगे और सहस्त्रार से इसका श्रवण करेंगे। निर्विचार 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 मैनिफेस्ट गणेशा वी हैव टू डू सर्टन अमाउंट ऑफ तपस्या। Per manifestare Shri Ganesha dobbiamo fare un certo numero di tapasya, penitenze. First, we have to say, and we sit for meditation, that I am going to be worthy of your appreciation.
Dunque una di queste austerità piuttosto è di dire all'inizio della meditazione io voglio essere degno del tuo apprezzamento. Make me humble. Rendimi umile. So that I am appreciated by you. Di modo che io sia apprezzato da te. And my only desire is to please. E il mio unico desiderio è di piacerti. Then you sit down in complete preparedness, meditating over your Muladhara, putting your attention to it with absolute purity. E dopo ci sediamo, meditiamo, mettendo completa attenzione sulla nostra Muladhara e meditando solo su lì. Now you have my photograph before you, and you tell the photograph that mother, you who are the Ganesha, Sri Ganesha, you give me vidya and discretion. Dunque meditando sulla Muladhara deve essere fatto con completa purezza e dobbiamo domandare a Shrimataji davanti alla sua foto. Tu sei Sri Ganesha, per favore dammi completa saggezza e visione. So attention at the Muladhara Chakra, which is actually below the sacrum bone. E l'attenzione al Muladhara Chakra, che è sotto l'osso sacro. You put your right hand over the photograph and left hand on the Muladhara. E allora si mette la mano destra verso la fotografia e mano sinistra su Madre Terra. Now, this will tell you that your mind or your brain, which is full of confusion, which has no discretion, which is complicated, which does the same mistakes again and again, which does not understand how to cure the ills of bad things. All that can be cured if you put the right hand towards me and the left hand towards the other. So in action you do like that. आइए ध्यान का श्री गणेश करें, प्रार्थना करें श्री गणेश से। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु श्री गणेश, हे वक्रतुंड श्री गणेश, हे विशाल शरीर वाले श्री गणेश, आप करोड़ों सूर्य की रोशनी के समान है। कृपा करके मेरे आत्मा के उत्थान में, मेरे सांसारिक शुभ कार्यों में आने वाले समस्त विघ्नों को आप हर लीजिए। हर लीजिए, हर लीजिए। अपने चित्त को अपने बाएं हृदय के अंदर उतारेंगे और अपने आत्मा के प्रकाश में इसे प्रकाशित होने देंगे। बाएं हृदय में उतरते चले जाएंगे और आत्मा को ढूंढेंगे चित्त से।
श्री माता जी, आप ही श्री गणेश हैं, कृपा कीजिए मेरी माँ कुंडलिनी को जागृत कीजिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। महसूस करेंगे माँ कुंडलिनी ने उठकर आत्मा को प्रकाशित किया है, पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर, चित्त को पावन करेंगे। पावन चित्त ही श्री गणेश को प्रसन्न कर सकता है। मां आपकी कृपा से मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं। अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे और इस पवित्र चित्त से मूलाधार चक्र को पावन करेंगे, जिससे श्री गणेश जागृत हो जाए प्रसन्न हो जाए। हे प्रभु श्री गणेश, आपकी कृपा से मैं विनम्र हूं, अबोध हूं, पवित्र हूं, कृपा करके मुझे बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए। मेरे अंदर के सारे भ्रम को दूर कर दीजिए। पूरा चित्त मूलाधार पे श्री गणेश जी की उपस्थिति का एहसास करेंगे, एक ठंडक के रूप में चित्त के माध्यम से। श्री गणेश को महसूस करेंगे अपने सभी चक्रों में। स्वाधिष्ठान रीढ़ की हड्डी के अंदर चित्त, ब्रह्मनाड़ी पे स्वाधिष्ठान चक्र पे शुद्धता, इच्छा की शुद्धता, ज्ञान की ग्रहण करेंगे। चित्त को नाभि चक्र पे लाएंगे, ब्रह्म नाड़ी के ऊपर चित्त नाभि चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर श्री गणेश जी नाभि चक्र को शुद्ध कर रहे हैं। मां लक्ष्मी की स्थापना, धन धान्य आनंद, भोग विलास का सुख, संतान का सुख, गृहस्थी का सुख,
ऐश्वर्य का सुख। और अंत तो कत्वा योग का सुख। प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी हर समस्या का समाधान देने वाली माँ लक्ष्मी महसूस करेंगे जागृत अवस्था में रीढ़ की हड्डी में नाभि चक्र पे पूरा चित्त नाभि चक्र पे चित्त को उठाएंगे अनाहत चक्र पे स्टर्नम बोन जहां से निकलते हैं सभी कण हमारी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता यही है हमारे कर्ण और कर्णों के अधिपति श्री गणेश माँ जगदम्बा के कार्य में रहता श्री गणेश महसूस करेंगे मध्य हृदय में कर्ण फैल रहे चारों ऊपर नीचे दाएं बाएं मध्य हृदय से पूरा चित मध्य हृदय में महसूस करेंगे इस घटना को अपने ही भीतर बहुत सुंदर चित्त को ऊपर उठाएंगे विशुद्धि चक्र में दाई ओर वेगा नाड़ी जो कमल दल खिलाती है ब्रह्मरंध्र पे आत्मा के प्रकाश की वाहिका ये ब्रह्म नाड़ी है और उसके बराबर में वेगा नाड़ी इस प्रकार से एक होके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है शुद्ध करेंगे अपने चित्त से इस नाड़ी हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए शुद्धता प्रसारित कीजिए प्रवाहित कीजिए इस नाड़ी को खोल दीजिए श्री कृष्ण की शक्तियां हमारे अंदर बहने लगी पूरा चित्त विशुद्धि चक्र में पावन चित्त ऊपर उठाएंगे आज्ञा चक्र पे मध्य आज्ञा हे प्रभु श्री गणेश आप ही जीसस क्राइस्ट हम अबोध हैं हम सबको क्षमा करते हैं हम विनम्र हैं
हम क्रोध का परित्याग करते हैं। चित्त को दया का क्या चक्र पिलाएंगे श्री महागणेश के श्री चरणों में। हे प्रभु श्री गणेश, आप सृष्टि के आरंभ से पहले ही यहाँ पे विद्यमान थे। आप ही मां आदि शक्ति से देवी देवताओं का परिचय कराते। हे प्रभु श्री महागणेश, आप ही मेरे पूर्वजों को क्षमा कर सकते हैं, उनके कर्मों के बंधन से मुझे मुक्त कर सकते हैं। कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए। पूरा चित्त बैर का क्या चक्र में चित्त को उठाएंगे और अनाहत तक लाएंगे जिसके बीच में है ब्रह्मरंध्र, सहस्रार के चक्र पूर्ण रूप से चाकृत हो रहे। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे मां कुंडलिनी बाहर आ रही है। महसूस करेंगे इस घटना को, श्री माता जी के श्री चरणों में शीश नवा रहे हैं। हे परमेश्वरी, हे मां दी शक्ति, आप ही ब्रह्मांड की प्राइमोर्डियल मदर है। कृपा कीजिए, मेरा योग श्री सदाशिव से मेरे परम पिता से करवा दीजिए। हे माता शक्ति, मुझे श्री गणेश के समान, श्री जीसस क्राइस्ट के समान हल्का कर दीजिए। सारी बोझिलता मैं आपके श्री चरणों में छोड़ती, मुझे मुक्त कीजिए। आशीर्वादित होके अपने चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे। सर के ऊपर ये चक्र महसूस करेंगे। श्री गणेश जी मेरे सब चक्रों को खोल दीजिए। शरीर के अंदर या शरीर के बाहर सभी चक्र श्री गणेश जी का आधिपत्य है। मैं
महसूस करेंगे अर्थ बिंदु चक्र में, इसको घूमता हुआ महसूस करेंगे, चित्त को उठाएंगे बिंदु चक्र पे, वलय चक्र पे, और ऊपर उठाते जाएंगे आकाश तक, निर्मल आकाश तक, परम चैतन्य बरसने लगा है पूरी धरा पर, सातों महादेव, पांचों महासागर लावित हो रहे हैं परम चैतन्य से, चित ले जाएंगे धरती पे, जल पे, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश, भेदन करके आएंगे अंतरिक्ष में, सभी ग्रह नक्षत्र, श्री गणेश जी की कृपा से सामान्य गति में, संतुलन में, ओ पूरा चित्त एक लय और एक गति में, नव ग्रहों के साथ, सूर्य चंद्रमा के साथ, हमारे लिए कार्यरत, पूरा चित्त अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्र तारे, सूर्य चंद्रमा, नेबुलास, गैलेक्सीज, मिल्की वे, आकाश गंगा, यहां से होते हुए ऊपर उठेंगे, अंतरिक्ष का भेदन करेंगे, शून्य में आएंगे, सब शून्य, विचार शून्य, तेज शून्य, गति शून्य, श्री सदाशिव विराजते हैं, हे प्रभु प्रकट हुई, श्री सदाशिव नीले रंग के, श्री सदाशिव ध्यान मग्न, श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे,
हे प्रभु, हे परम पिता, हे परमेश्वर, मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, हाथ पैर से, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, यदि आपके शान के खिलाफ किसी भी जन्म में ज्ञात अज्ञात क्षम्य क्षम्य कोई भी अपराध हुआ हो, तो सबके लिए मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। शिव शंभो, आपके जय जयकार हो, आपके जय जयकार हो, आपके जय जयकार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, पावन चित्त है मेरा, मैं आदि शक्ति के द्वारा निर्मित हूँ, जागृत हूँ, आपका सच प्रतिबिंब हूँ मैं। कृपा कीजिए, मुझे अपने हृदय में समा लीजिए, योग प्रदान कीजिए, समा जाएंगे परम पिता के हृदय में। चित्त को धीरे धीरे बाहर लाएंगे, परमादि शक्ति जो श्री सदाशिव के चारों ओर वलय के रूप में, उनके साथ उनका अंग प्रत्यंग बन के परिक्रमा करेंगे। अटैच करेंगे वलय से अपने आप को, श्री चरणों में आएंगे श्री सदाशिव के। हे प्रभु, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद आज के योग के लिए, ध्यान के लिए, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे चित्त को अंतरिक्ष में लाएंगे, आकाश में लाएंगे और अपने सहस्त्रार पे ब्रह्मरंध्र के अंदर शिव धाम से आता हुआ परम चैतन्य, जो ब्रह्म चैतन्य है, प्रवेश करने देंगे। उड़ेला जा रहा है हमारे ऊपर ब्रह्म चैतन्य, ग्रहण करते रहेंगे अपने सहस्त्रार में, लिम्बिक एरिया में, पूरे रीढ़ की हड्डी में, सब चक्रों पे, सब नाड़ियों पे, पूरे शरीर में, सब चक्रों में, शरीर में स्थित चक्र, बैक में,
front me, shoulders, arms, hands, pelvic region, upper legs, knees, calves, feet, पूरे शरीर में ब्रह्म चैतन्य ईश्वर से सीधा संबंध अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को सब जगह फैलाएंगे, अपने घर में, अपने ऑफिसेस में, अपने शहर में, देश में, पूरे विश्व में, धीरे धीरे सभी पंच तत्वों में, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चित्त को वापस लाएंगे, सहस्रार पे, सब परिवार जनों पे फैलाएंगे चित्त को, परम चैतन्य की वर्षा हो रही है। पूरे समाज पे जो भी लोग हमारे चित्त में हैं या हम जिनके चित्त में हैं, सब जगह परम चैतन्य फैलाएंगे अपने चित्त से। चित्त को सहस्रार पिलाएंगे, महादेव शक्ति के श्री चरणों में, सहस्रार स्वामिनी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए। कोटि कोटि नमन है माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। हम युगो युगांतर तक आपके ऋणी हैं। धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे और शाम करेंगे। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कविता सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू कविता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।